जंगल में इंटर करते ही देखो खूबसूरत पेड़ भाई हमारे स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। अभी मैं हूँ बांज के पेड़ में और वहाँ से ना जंगली हिरन जो कि छोटी हिरन होती है जिसे हम काखड़ बोलते हैं उसकी घूरने की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। देखो क्या आवाज़ कर रहे यार वो, गाइस अभी देखो भाई टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और मैं बांज काट करके नीचे आ गया हूँ पेड़ से। और अभी तक भी ना वो जो जंगली हिरन आवाज़ कर रही थी वो अभी तक भी आवाज़ें कर रही है, बट अब उसकी आवाज़ें ऐसी आ रही है ना जैसे कि डरावनी चिड़िया नहीं होती है। ये देखो भाई 7:09 हो रहे हैं और मुझे ना यहाँ कुछ चीज़ डरा रहा था ऊपर पे, तो ऐसा कर रहा था जैसे कि पत्थर पे कोई चीज़ किसी चीज़ से मारते हैं, जैसे हम कट 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 कट, तो उसी टाइप की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। तो अभी मैं वहाँ से नीचे आ गया हूँ, अब जाके थोड़ी बहुत राहत मिली। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। हो चुका है कि नए दिन की शुरुआत नए वीडियो के साथ। मैं महावीर भी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से एंड हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है शाम के ठीक 4 से। अभी मैं जा रहा हूँ भाई जंगल में अपने भैंसों को लेकर के और वहाँ से बांस भी लाने हैं मुझे साथ में। तो हमारे भैंस देखो भाई पीछे से आ रहे हैं अभी, तो मैं आगे से चल रहा हूँ, वो जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। शाम के ठीक 4 पे अभी इतनी प्यारी धूप लगी हुई है, तो अभी मुझे जाना है भाई जंगल में। ये देखो ये है रास्ता इन पत्थरों से होकर के, भाई कितने ज़्यादा पत्थर हैं यहाँ पर देखो। तो मुझे जाना है ठीक इस वाले जंगल में, तो देखते हैं भाई कब तक पहुँचता हूँ मैं। और ये देखो भाई हमारे भैंस, जब मैं आगे से चलता हूँ ना तो भैंस पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर से ऊपर के लिए हमारे यहाँ का जंगल शुरू हो जाता है भाई। तो जैसे कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ से ऊपर के लिए घना घोर जंगल, तो ये देखो यहाँ से हमने ना पूरी दीवार लगा रखी है ताकि यहाँ से जंगली जानवर अंदर ना जाए। खाली यहाँ पर से रास्ता है तो यहाँ पर से हमने खुला कर रखा है, बाकी देखो पूरी दीवार लगी हुई है नीचे को भी और ऊपर के लिए भी भाई पूरी दीवार लगी हुई है। तो ये पूरे जंगल में लगा रखी है हमने। तो जंगल में इंटर करते ही देखो खूबसूरत पेड़ भाई हमारे स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो दोनों के दोनों कैसे बैठे हुए हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ये देखो भाई, तो इनके बीचों बीच से होकर के रास्ता चलता है भाई। ये देखो जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ हमारे भैंस भी पीछे पीछे मेरे आ जाएंगे, ये तो फिक्स बात है। पर मैं क्या करता हूँ फटाफट चलता हूँ क्योंकि मुझे बांझ भी काटना है अभी। तो चले जी, अभी मैं आगे आ चुका हूँ और हमारे भैंस भाई यहाँ पीछे पे हैं, तो वहाँ पीछे चल रहे हैं अभी हमारे भैंस। तो क्या करते हैं अभी मैं चलता हूँ चुपचाप से बांस काटने के लिए, क्योंकि हमारे भैंस ने तो मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, इसलिए चलता हूँ मैं बांस काटने के लिए फटाफट से। और ये देखो भाई मैं आगे से भाग रहा हूँ और ये पीछे पीछे भाग जा रहे हैं, जहाँ मैं भाग रहा हूँ वहीं जा रहे हैं, तो आवाज़ लगाते लगाते सीधा भाग रहे हैं भाई मेरे पीछे। और अभी धूप देखो यार भाई साहब, धूप भी जाने वाली है क्योंकि यहाँ से तो पूरा सनसेट होके चले गया है। तो ये वाली रेंज है देखो, यहाँ से ऊपर सनसेट हो रहा है अभी ये देखो। और भैंस चल रही इधर मस्त करके, बांस भी काटना है और भी काम मुझे बहुत सारे हैं भाई अभी गौशाला में। तो क्या करते हैं मैं फटाफट चलता हूँ बांस काटता हूँ, उसके बाद ही मिलते हैं आपसे, भैंस तो मुझे तंग करते रहेंगे। चले जी अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई जहाँ पर मैं बांस काटूँगा वहाँ पर, अभी मैं पहुँच चुका हूँ। क्या करते हैं फटाफट ही बांस काटते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं आपसे क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हमारे भैंस ने यहाँ नीचे छोड़ दिए हैं मैंने। तो भैंस तो मेरे साथ इतने ऊपर आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो नीचे ही चल रहे थे, मैं उनको छोड़ करके सीधा भाग गया भाई ऊपर। तो अभी थोड़ी देर बाद देखना वो मुझे आवाज़ लगाएंगे वहाँ से और सीधा आएंगे ऊपर के लिए, देखना। देखो गाइस मैं बांस के पेड़ में हूँ और इस वाले रेंज से ना जंगली जो हिरन होती है छोटी हिरन यानी कि जिसे हम काखड़ बोलते हैं, तो उसकी घूरने की आवाज़ सुनो यहाँ से भाई। देखो भाई साहब कितनी भयंकर आवाजें कर रहे हैं यार। वो कर रहा है इस वाले जंगल से और मैं हूँ दूसरे जंगल में। ये देखो, तो ये है भाई हमारे गांव का पूरा जंगल। ये देखो जो आपको ये आखिरी वाले रेंज दिखाई दे रहे हैं, ये है दूधा तोली वाले रेंज। और यहाँ नीचे पे ना हमारी भैंस भी आ रही है। देखो अभी मैं बांस के पेड़ में हूँ भाई, अभी मैं बांस के पेड़ में हूँ। देखो 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 भाई साहब, अभी बांस के पेड़ में हूँ मैं ऊपर। देखो क्या आवाज़ कर रहे यार वो,
भाई साहब, अभी मैं हूँ बांज के पेड़ में और वहाँ से ना जंगली हिरन, जो कि छोटी हिरन होती है जिसे हम काखड़ बोलते हैं, उसकी घूरने की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, यानी कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है तो भाई साहब आप सुन ही सकते हो। अभी नहीं कर रहा हूँ। अब नहीं कर रहे, ये देखो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं उसकी। सालिंकिन कैमरा में सुनाई दे रहा होगा या नहीं सुनाई दे रहा होगा, बट इस रियली में सुनो भाई, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ये देखो। अभी यहाँ से देखो भाई, इस वाले रेंज पर कर रहे हैं, जंगली हिरन की आवाज़ आ रही है बहुत तगड़ी वाली, आपको भी सुनाई दे रही होंगी या नहीं सुनाई दे रही होंगी वीडियो में, ये देखो। तो अभी मैं पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गया हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे लिए ऊपर जाने के लिए। जंगली हिरन की आवाज़ें सुनो यार, ये देखो भाई साहब क्या आवाज़ें हैं यार, देखो दो दो। भाई साहब जो जंगली हिरन आवाज़ें कर रहे हैं, दरअसल दो दो हिरन है, दो दो हिरन इकट्ठे कर रहे हो आवाज़ें, सुनो हाँ देखो। देखो भाई लगातार आवाजें करने पे लगे हुए हो, ये देखो। ये वाली हिरन ना इसी जगह पे रहती है भाई, यहाँ से जो ये वाली चोटी दिखाई दे रही है, इस वाली जो ये वाली रेंज दिखाई दे रही है, इससे ऊपर नहीं जाती हो, यहीं सामने पे रहती हो बस, ये देखो ये वाला बांध मुझे काटना है अभी। और यहाँ से देखा जाए तो इस साइड के लिए मेरा पूरा गांव दिखाई दे रहे हैं, हालांकि थोड़े बहुत नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ठीक नीचे पे हमारे गौशाले हैं। अब ये साइड आ गया भाई साहब, यहाँ ये देखो, अभी साइड के लिए दूसरा वाला कर रहे हैं, एक तो इस साइड के लिए और एक किस साइड के लिए आ गया, ये देखो इस साइड के लिए आ गया। अब यहाँ देखो भाई, इस साइड के लिए आ गया वो, अब इस साइड का भी कर रहा है आवाज़, इस साइड का भी कर रहा है, दोनों कर रहे हो, ये देखो अब इस साइड का, यहाँ इस साइड के आए अभी, और अभी इस साइड का भी करेगा, देखो अभी तो इस साइड का कर रहे यार, वही कर रहा हूँ। और ये देखो भाई, ये है हमारे गांव का जंगल पूरा, देखो भाई साहब ये रहा हमारे गांव का जंगल कुछ इस प्रकार से, पूरी इस साइड बांज के पेड़ और इस साइड भी बांज के पेड़ जो ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहे, ये देखो पूरे बांज के पेड़ और ऊपर ऊपर नहीं है भाई बांज के पेड़, ऊपर ऊपर है फाड़ के पेड़, यानी कि देवदार कह सकते हैं उसे। और ये वाली पीक देखो कितनी भयंकर चट्टान है भाई यहाँ, तो इस वाली चट्टान पर ना ज़्यादा गुफाएँ हैं। सब पहले देखो उस साइड के लिए कर रहा था और फिर इस साइड के लिए, अब देखो यहाँ कर रहे हैं ऊपर पे, ये देखो इस साइड के लिए चले गया वो, ये देखो अब इस साइड के बंद हो गए और इस साइड के कर रहे हो, देखो मैं हूँ बांस के पेड़ में, यहाँ से नीचे देखो भाई। तो हो सकता है इससे कुछ ना कुछ चीज डरा रहा होगा, यानी कि इस वाले हिरन को कुछ ना कुछ चीज़ भगा रहा होगा, यानी कि बाघ हो सकता है इसको भगा रहा होगा, तो वो भाई इस साइड से भागा हो सीधा उस साइड से, तो थोड़ी देर पहले उस साइड आ रही थी आवाज़, अब यहाँ आने पर लग गया यहाँ ऊपर पे, ये देखो और यहाँ से ना हमारे भैंसों की आवाज़ भी आने पर लग गई भाई। साइड के लिए कितनी भयंकर आवाज़ आ रही भाई साहब, सुनो कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है इस साइड से, अब ये देखो
मेरे से थोड़ा सा ही दूर है भाई, ऊपर पे देखो। गाइस अभी देखो भाई टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और मैं बांस काट करके नीचे आ गया हूँ पेड़ से, और अभी तक भी ना वो जो जंगली हिरन आवाज़ें कर रही थी वो अभी तक भी आवाज़ें कर रही है, बट अब उसकी आवाज़ें ऐसी आ रही है ना जैसे कि डरावनी चिड़िया नहीं होती है, जैसे कि भूत की तरह आवाज़ें आ रही है उसकी, आप सुनो। हाँ तो अब इसी साइड से आ रही है उसकी आवाज़ें, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, शायद से आपको आवाज़ें आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी। और अभी देखो मैं बांझ लेकर के नीचे आ गया हूँ, अब क्या करते हैं इसकी बाहरी लगाते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं भाई घर के लिए। भाई साहब अभी इस साइड से इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है ना जैसे कि कोई चीज़ पत्थर में ऐसे डंड से मारी होगी, खट 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 खट। देखो भाई साहब शायद आपको आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर सुनो भाई फिर भी इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है ना यहाँ से जैसे कि कुछ चीज़ ना पत्थर पे ऐसे डंडे से मारी होगी, खट 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 खट। भाई साहब देखो भाई 7:09 हो रहे हैं और मुझे ना यहाँ कुछ चीज़ डरा रहा था ऊपर पे, तो ऐसे कर रहा था जैसे कि पत्थर पे कोई चीज़ किसी चीज़ से मारते हैं, जैसे हम कट 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 कट, तो उसी टाइप की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। तो अभी मैं वहाँ से नीचे आ गया हूँ, अब जाके थोड़ी बहुत राहत मिली। 7:10 हो गया अभी और अंधेरा भी नहीं हुआ, देखो भाई अंधेरा भी नहीं हुआ भाई, अंधेरा थोड़ी देर में होने ही वाला है ये देखो। और मैं हूँ भाई अकेला हूँ जंगल में, और ये है अपना बांझ, क्या करते हैं इसको लेकर के फटाफट चलते हैं गौशाला में क्योंकि थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा, अभी मुझे घर भी जाने हैं। बांझ को लेकर के चलते हैं गौशाला में, तो यहाँ से हमारी गौशाला होगी कम से कम 250 मीटर की दूरी पर होगी कम से कम, वो भी डाउन के लिए जाना है, सीधा नीचे के लिए जाना है, 250 मीटर की दूरी पर होगी हमारी गौशाला यहाँ से। तो क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं वीरू पहाड़ी जल्द ही मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।